हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम चलते हैं चैप्टर टू प्रत्यय की तरफ। तो प्रत्यय से तात्पर्य है कि भाषा की, जिस प्रकार हमने अभी उपसर्ग पढ़ा उसी तरह से भाषा के वे लघुत्तम सार्थक खंड जो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं। उपसर्ग जिस तरह शब्द के आरंभ में जुड़कर बनाता है, उसी तरह प्रत्यय अंत में जुड़कर शब्द की नए नए शब्द की रचना करते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे उदाहरण है तैरना, तैरा। तो इस तरह से अब है हिंदी के प्रत्यय। तो रूप साधक, हिंदी में दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं, रूप साधक प्रत्यय जिसमें क्रिया के रूप में ता के रूप में वर्तमान काल निष्पक्ष पुल्लिंग की तुलना ए या ता के रूप में बदलता है। जैसे सामान्य एक वचन है लड़का, तो बहुवचन में ए जोड़ के लड़के बना देगा। इस तरह से रूप साधक प्रत्यय हिंदी में संज्ञा या सर्वनाम विशेषक तथा क्रिया के विभिन्न रूपों की रचना रूप साधक से होती है। संज्ञा विशेषण या क्रिया के रूप की रचना रूप साधक से होती है। तो संज्ञाएं लिंग, वचन और कारक की कोटि के लिए, सर्वनाम पुरुष वचन कारक के लिए, तो क्रिया काल पक्ष वृत्ति वाच आदि के रूप में परिवर्तित होती है। जैसे कुछ उदाहरण, लड़का है तो लड़के हो गया, धोबी है तो धोबी है तो धोबी ही रहेगा, साधु है तो साधु ही रहेगा। और जैसे अब धोबी तो धोबियों हो जाएगा, साधु है तो साधुओं हो जाएगा, राजा है तो राजाओं हो जाएगा, राजाए तो कभी नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से ये बदलता है। क्रिया के रूप में ता रूप वर्तमान काल नित्य पक्ष पुल्लिंग के रूप में की तुलना देती है। जैसे वह घर जाता है तो वे घर जाते हो जाता है, इस प्रकार से ये होता है, बनता है। और शब्द साधक या व्युत्पादक प्रत्यय, व्युत्पादक प्रत्यय शब्द साधक, व्युत्पादक अभी हमने बताया था कि विदेशी जो होते हैं वे व्युत्पादक भी कहलाते हैं। तो हिंदी में तत्सम, तद्भव तथा विदेशी तीनों प्रकार के शब्दों के प्रत्यय मिलते हैं। तो शब्दों की रचना के काम आते हैं, जैसे अत्ता या बाज, ऐसे ऐसे शब्द से बनते हैं। तो इस तरह से ये ता आवश्यकता, फंदा है तो फंदेबाज, भूल है तो अक्कड़ लगा दिया भूलक्कड़, इस प्रकार से संस्कृत प्रत्यय या तत्सम प्रत्यय। तो संस्कृत प्रत्यय या तत्सम प्रत्यय, ऊपर आपने दो प्रकार के प्रत्यय पढ़ा, अब शब्द साधक या व्युत्पन्न प्रत्यय में आपका संस्कृत प्रत्यय या तत्सम प्रत्यय आते हैं। तो संस्कृत प्रत्यय दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं, एक वो जो क्रिया धातु के बाद लगकर संज्ञा या विशेषण बनाते हैं, इनको कृत प्रत्यय कहते हैं। इसमें दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं, एक वो होता है जो क्रिया धातु के बाद लगकर संज्ञा या विशेषण बनाते हैं, तो इन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे पढ़ाई लिखाई पठनी, ये सब होते हैं। और दूसरा होता है तद्दिक प्रत्यय, तद्दिक प्रत्यय। तो इस वो प्रत्यय होते हैं जो संज्ञा और विशेषण बनाते हैं, विशेषण आदि शब्द से जुड़ करके, संज्ञा और विशेषण से जुड़ करके संज्ञा और विशेषण शब्द बनाते हैं, इनको तद्दिक। जैसे बचपन, जैसे बचपन धार्मिक औपचारिक गुणवान। तो कृत प्रत्यय वे प्रत्यय हैं जो क्रिया धातु के साथ लगकर संज्ञा या विशेषण आदि शब्द बनाते हैं। कृत प्रत्यय से बने शब्दों को कृदंत प्रत्यय भी कहा जाता है, कृदंत प्रत्यय भी कहा जाता है। क्रिया रूप के साथ कृत प्रत्यय निम्नलिखित स्थिति में प्रयुक्त होते हैं, जैसे क तो गायक, गाय है तो उसमें क लगा दिया गायक, सेव है क लगा दिया, नाय है क लगा दिया, पाठ है क लगा दिया। अब है ता, जैसे नेता, नेता है अभी अभिनेता, इस तरह से नीता वाले, तो इसमें दोनों दोनों शब्द। विक्रय है तो उसको हमने संज्ञा से बदला, विशेषण किया और विक्रेता बना दिया। हिंदी संस्कृत या तत्सम प्रत्यय हुए। अब हिंदी में तद्भव प्रत्यय, जैसे हार तो होन हार, इसमें एक शब्द के माध्यम से, एक पूरे शब्द के माध्यम से, न कि वर्ण के माध्यम से प्रत्यय बदलेगा। जैसे हार है तो ये लास्ट में लगेगा, होन हार, खेलन हार, पालन हार, सेवन हार, या अक्कड़ है पियक्कड़, भुलक्कड़, घुमक्कड़, इस तरह से लगेंगे। अब है अन्य या आगत, आगत में होता है जैसे दार या आक या आलोक, तो इस तरह से, तो लेनदार,
आग लगा, तैर में आग लगा दिया तैराक, आलू झगड़ालू, ईयल सड़ियल अड़ियल। अब है क्रिया का कर्म में, हिंदी प्रत्यय क्रिया का कर्म में परिवर्तन जो प्रत्यय करते हैं, तो हिंदी प्रत्यय में नी जैसे चटनी फुकनी सुंगनी, इस प्रकार से क्रिया का परिणाम भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए किस प्रकार होता है, तो हिंदी प्रत्यय में जैसे लिख है ना लगा दिया तो भाववाचक बन गया, संज्ञा से भाव क्रिया से भाववाचक बन गया। इस प्रकार क्रिया करने का साधन किस प्रकार क्रिया होती है, जैसे अन भाव भाव है अन कर दिया भवन हो गया, कर है अन कर दिया करण हो गया, चिन्ह है अन कर दिया चिंतन हो गया, चित है अनचिंतन। इस प्रकार से क्रिया की अब है तदिक प्रत्यय, वे प्रत्यय क्रिया से अन्य शब्दों में जैसे संज्ञा विशेषण अव्यय आदि के बाद लगते हैं और क्रिया संज्ञा विशेषण शब्द बनाते हैं, तो इन्हें तदिक प्रत्यय कहते हैं। वे प्रत्यय जो क्रिया से अन्य शब्द में जैसे संज्ञा विशेषण या अव्यय के बाद लगते हैं तो संज्ञा और विशेषण बना देते हैं, तो इस प्रकार के प्रत्यय को तदिक प्रत्यय कहते हैं। तो इसमें है संज्ञा से संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय, जैसे दिव्या है दिब है तो ईया लगा दिया दिव्या, खट या खटिया हो गया, तो संज्ञा बना रहे हैं मतलब किसी वस्तु का नाम बना देंगे, संज्ञा बना देंगे। जैसे मुख है अड़ा मुखड़ा दुखड़ा, ये भी भाववाचक संज्ञा बना दे रहे हैं, तो इस प्रकार से संज्ञा। अब विशेषण अगर कुछ है जैसे लघु विशेषण मतलब तो छोटा, उसमें लघु संज्ञा है लेकिन विशेषण से संज्ञा फिर से संज्ञा बना देंगे भाववाचक, लघु छोटा है, अब लघुता लघुता भाववाचक संज्ञा मतलब छोटे का अनुमान कराने वाला, सुंदर है तो विशेषण है लेकिन ता लग गया तो भाववाचक संज्ञा हो गया, इस प्रकार से ये भाववाचक संज्ञा बना देते हैं। संज्ञा से विशेषण, अब संज्ञा है कुछ जैसे ऊन है ये संज्ञा है, अब ई लगा दिया तो ऊनी हो गया, गुलाब है ई लगा दिया गुलाबी हो गया, तो ये विशेषण बन गया। अब है क्रिया विशेषण से विशेषण, अब है क्रिया विशेषण से विशेषण, तो जैसे है अगला पिछला, तो ये क्रिया विशेषण पहले क्रिया विशेषण से विशेषण की ओर मुड़ गया। इस प्रकार से हम देखते हैं भाववाचक संज्ञा बनाने वाले, इसी प्रकार हमारे व्यवसाय सूचक प्रत्यय जैसे आर सुनार लोहार व्यवसाय सूचक है, गुणवाचक विशेषण बनाने वाले हैं, फिर प्रत्ययवाचक संज्ञा बनाने वाले हैं, भाववाचक संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय हैं। अब है विदेशी आगत या आगत तदिक प्रत्यय, वे प्रत्यय उर्दू फारसी के शब्दों में के अंत में जुड़ते हैं, जैसे महीना नगीना खतरनाक शर्मनाक, जैसे शर्म है उसमें शर्म है आग लग गया, शर्मनाक दर्दनाक, आना सालाना मेहनताना, दार दुकानदार ईमानदार मालदार, इस प्रकार से। अब है शब्द है उपसर्ग, उपकारक मतलब उपकारक उपकार, यहाँ पर गलत है उपकारक, तो प्रत्यय अक लग रहा है उपकारक, उप उपसर्ग है कार मूल शब्द है अक प्रत्यय, इस प्रकार उपकारक। बेकारी बेकार ई, इस प्रकार से ये शब्द बन रहे हैं। अब प्रत्यय के आधार पर शब्द निर्माण में कुछ प्रमुख बिंदु, प्रत्यय लगाकर शब्द बनाने समय निम्नलिखित बात का ध्यान देना चाहिए, जैसे मूल शब्द में एक बार में केवल एक ही प्रत्यय जोड़ा जाना चाहिए, जैसे स्वतंत्र से स्वतंत्र या सुंदर से सौंदर्य बनता है, लेकिन अब हम ये नहीं कर सकते कि दूसरा प्रत्यय उसी शब्द में दोबारा जोड़ करके ता प्रत्यय जोड़ दें और स्वतंत्रता कर दें, तो ऐसा नहीं कर सकते, या सौंदर्यता करना गलत है, इसलिए कि उसकी सौंदर्यता देखने तो सौंदर्यता तो प्रकृति की हो जाएगी, इसलिए ये शब्द गलत है। इसी तरह शब्द के दो अलग अलग प्रत्यय जोड़कर पूज्य तथा पूजनीय शब्द बनते हैं लेकिन पूज्यनीय नहीं बनते। शब्द में य
और व तथा ई प्रत्यय जोड़ते समय शब्दों के स्वरूप में होने वाले ध्वनि परिवर्तन का ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह विशेषण में एक प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाने से पहले संधि नियम का ध्यान देना चाहिए कि संधि नियम भी उसमें आ रहे हैं कि संधि के कुछ नियम जो कि आपको एट्थ में बताया जा चुका है। तो यहाँ पर आपका प्रत्यय खत्म होता है। तो इस तरह से आप इसको पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे। धन्यवाद।